दोस्तों सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे विशेष तरह के अनुभव साधना के बारे में जो अति सौम्य और बहुत ही अच्छी है। साथ ही साथ इसका अनुभव एक साधक को हुआ है और उन्हें बहुत फायदा हुआ, इससे उनका व्यापार चल पड़ा और जो और काम करते थे वो उसमें उन्हें बहुत ही अधिक सफलता मिली है। तो उन्होंने बिल्कुल वैसा ही जैसा उन्होंने किया है वो वैसा ही बताना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर नवरात्रि में श्री यंत्र की अद्भुत साधना करके कैसे अपने जीवन को पटरी पर लाया जा सकता है और अत्यधिक समृद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। चलिए पढ़ते हैं उनके पत्र को। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम और पता मैं आपको भेज रहा हूं, लेकिन कृपया इसे ईमेल में किसी भी प्रकार से ना दिखाइएगा। मैं ये चाहता हूं कि मेरे साथ जो भी अनुभव घटित हुए हैं उनके बारे में मैं जनता को बताऊं। सिर्फ इसी उद्देश्य से मैं यहाँ पर बहुत ही सरल और सौम्य साधना भेज रहा हूँ जो मैंने स्वयं की और जिसका लाभ मैंने स्वयं पाया। आपके चैनल से जुड़े हुए मुझे काफ़ी समय हो चुका है। आप अच्छी अच्छी साधनाएँ बताते रहते हैं, भेजते भी रहते हैं, लेकिन सौम्य साधनाओं में ऐसी बहुत ही कम साधनाएँ हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं। यहाँ पर मैं आपको वही बताना चाहता हूँ। मेरे दादाजी ने इस प्रयोग को किया, उसके बाद मेरे फिर पिता ने इस प्रयोग को किया और आखिर परेशान हो जाने के बाद, हालांकि मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन फिर भी मैंने अपने पिता से पूछ करके इस प्रयोग को किया और चमत्कार आज सामने है। ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे पास नहीं है, सब कुछ मुझे प्राप्त हो गया है। धन, वैभव, संपन्नता, सारी चीज़ें जितनी भी एक इंसान को प्राप्त हो सकती हैं वो सारी की सारी आज मुझे मिलती चली जा रही हैं। इसके लिए मैं बारंबार ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तो ये बात इस तरह से थी कि पिताजी के काम को करते करते मुझे थोड़ी सी आलसीपना शुरू हो गया था। आलस के कारण मैं थोड़ा सा काम में और उनके बिजनेस वाली दुकान में कम बैठता था। पिताजी बूढ़े होते जा रहे थे और उनका आध्यात्म के प्रति काफ़ी ज़्यादा लगाव था, इसी कारण से उन्होंने मुझे सारे काम सौंप दिए थे। पर दुर्भाग्य कभी भी आ सकता है और हुआ भी वैसे ही, दिन प्रतिदिन घाटा लगता चला गया। कुछ जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे थे और जिनसे हम लोग सामान खरीदते थे उनके पास हमारा कर्जा होता चला गया। जिनको हमने सामान दिया था उसकी डिलीवरी का पैसा वापस नहीं मिला और वो लोग भाग गए। कई कई जगह हमारे साथ ऐसा हुआ, ये एक जगह नहीं हो रहा था, ये कई जगह हो चुका था। इस तरह करते करते हुए लगभग 22 से 23 लाख रुपए तक का हम पे कर्जा और हो गया, यानी कि आप समझ लीजिए कितनी अधिक नुकसान में हम लोग जा चुके थे। अब ऐसी अवस्था में मैं परेशान हुआ, इधर उधर फिरता रहा, मैंने दुकान पर पूरी तरह से ध्यान देना भी शुरू कर दिया, लेकिन कोई भी किसी भी प्रकार का उपचार कार्य नहीं कर रहा था। मैंने अपने पिताजी से कहा कि अब मुझ में ये सामर्थ्य नहीं है, मैं अपने आप को दिवालिया घोषित कर दूंगा और चाहे तो बैंक वाले हमें जेल भेज दें, मैं कुछ नहीं कह सकता। और फिर मैंने अपने पिताजी को अपनी सारी बातें इस तरह से कहते हुए समझाई और बताई। फिर मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ संकल्प लेने की आवश्यकता है। जो मैंने किया और जहाँ शायद तुम्हारे दादाजी ने भी यूँ किया था, वही तुम्हें करने का अब समय आ चुका है। क्योंकि मेरे पिताजी घर से कम निकलते हैं और वो दिन रात केवल माँ भगवती की पूजा पाठ ही किया करते हैं। उन्होंने मुझे इस विधि के बारे में बताया जो गुरुजी मैं आपके माध्यम से इस पूरे देश को बताना चाहता हूँ कि वो भी ये करें, और जैसा जैसा मैंने किया बिल्कुल वैसा ही वो करें तो निश्चित रूप से उन्हें सफलता की प्राप्ति होगी और जीवन में उनके जो भी संकट आए हैं वो निश्चित रूप से दूर हो सकेंगे। बहुत ही सरल सी बात है, यह आपको करना है केवल और केवल 5 दिन, यानी कि आप नवरात्रि में कोई भी 5 दिन चुन सकते हैं इसके लिए और बड़ी सहजता से ये साधना की जा सकती है। मैंने ये साधना के लिए अपने पिता से बताए हुए श्री यंत्र को प्राप्त करने की बात कही। उन्होंने कहा,
सिद्ध गुरु से श्रीयंत्र प्राप्त करने की आजकल अवस्था नहीं है, इसलिए तुम अमेजोन से ये चीज़ मंगा लो। तो मैंने फिर अमेजोन से ही जो यंत्र ऑर्डर किया उसी यंत्र का लिंक मैंने गुरुजी को भी दे दिया है। किसी को ये ना लगे कि मैं किसी की चीज़ का प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन यह बिल्कुल सच है। आप साधारण विधि से अमेजन से या किसी भी कंपनी से बिल्कुल इसी तरह का मंगवा सकते हैं और उसके बाद उसे सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध करने के लिए कुछ ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं गुरु जी के चैनल पर चले जाइए और वहाँ देख करके किसी भी, जैसे माला को सिद्ध किया जाता है ठीक उसी तरह से सिद्ध कर सकते हैं और वो प्राण प्रतिष्ठा उसमें हो जाती है। या फिर गुरु जी के कहे अनुसार अगर देवी अथर्वशीर्ष का पार्श आप इसे धोते हुए गंगा जल से या दूध से कर लेंगे तो भी सब कुछ बड़ी ही सहजता के साथ हो जाएगा, और या फिर मैं आपको संक्षेप में बता दूंगा। तो आप बड़ी आसानी से नीचे दिए हुए लिंक को, जो मैं गुरु जी को दे रहा हूँ, वो चाहे तो इसे अपने YouTube चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल लें और उन लोगों को इससे आसानी होगी, क्योंकि जो मैंने खरीदा था मैं उसी का ही लिंक दे रहा हूँ, वो उसे इस नवरात्रि पर खरीद लें और इस साधना को शुरू करने की बात कीजिए। मैं गुरुजी सत्य कहता हूँ कि मैंने इसे केवल 5 दिन किया और अद्भुत चमत्कार देखे हैं। श्री यंत्र की साधना से जिंदगी में भूखे हुए सारे काम स्वतः ही हो जाते हैं। अब मैं आपको छोटा सा अपना अनुभव बताता हूँ जो मेरे साथ घटित हुआ था। पिताजी के कहने पर मैंने इस यंत्र को बाजार से तो मंगवा लिया, आप जिस तरह उन्होंने कहा उसी तरह मैंने उसकी प्राण प्रतिष्ठा की, जैसे कि आप अपनी वेबसाइट पे भी बताए हैं और आपने YouTube चैनल पे भी बताया था। उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें इसे किसी स्पेशल स्थान पर जहाँ पर उसे रखना चाहते हो वहाँ पर स्थापित करो। याद रखो ये सिर्फ 5 दिन की बात है, उतने दिनों में आपको उसके ऊपर लाल कपड़ा ढक देना है, आपके अलावा और कोई उसे ना देख पाए। तो आप जो भी साधना करेंगे तो वो लाल कपड़े से वो पूरी तरह से ढका होना चाहिए और उसके बाद उसे फिर खोल दीजिए। उसे चाहे जनता देखे या कोई भी देखे, आपको कोई बाद में फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इन 5 दिनों में उसे कोई ना देखे, सिर्फ आप अपनी पूजा के समय उसे खोलिए और पूजा कीजिए, फिर उसे ढक दीजिए। मैंने यही किया और जैसे कि बताया गया था कि पीले वस्त्र धारण कर पीले आसन पर बैठ करके और श्री यंत्र को एक बाजोट के ऊपर, छोटे से बाजोट के ऊपर पीले रंग का कपड़ा बिछा करके स्थापित करके रख देना है और उसकी फिर पूजन करनी है। मैंने वही किया, उसके बाद माँ लक्ष्मी का मंत्र उसकी साधना की और साधना कर लेने के बाद फिर रोज़ मैंने 51 मालाएँ उस मंत्र की। रात्रि के 9 बजे के बाद ही यह साधना करनी पर ज़्यादा प्रभावी होता है, ऐसा मेरे पिताजी ने मुझे बताया था। मैंने वही किया और मैं जाप करता चला गया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4th दिन हुआ, 5वें दिन जब मैंने उसका पूरी तरह से पूजन कर लिया और करने के बाद में उन्होंने मुझसे कहा था कि जो माला है उस माला को, जिस माला से तुमने जाप किया है वो पीले रंग की होनी चाहिए। पीले रंग में आप हल्दी की माला भी ले सकते हैं या फिर माँ की कोई भी माला का से संपन्न कर सकते हैं, लेकिन जिस माला से आपको संपन्न किया हो उस माला को लाल कपड़े में लपेट करके उसे ऐसी जगह आपको गाड़ आना है जहाँ कोई आपको ना देखे, या फिर किसी नदी में आपको उसको प्रवाहित कर देना। याद रखें उस समय आपको कोई ना देखे, वरना की है किराए पर सारा पानी फिर जाएगा, आपको सिद्धि नहीं मिलेगी। मैं इसके लिए रात को ही चला गया और पिताजी ने कहा था रात्र का समय बहुत अच्छा है, याद रखें इसे सुबह 3 बजे से पहले पहले आपको कहीं पर भी गाड़ देना है, रख देना है या फिर छुपा देना है, जहां पर भी ऐसी जगह हो याद रखिए वहां पर कोई आपको ना देख पाए, क्योंकि अगर किसी ने आपको देख लिया तो फिर आपकी सिद्धि चली जाती है। इसलिए मैं रात को ही निकल लिया और मैंने सोचा क्योंकि आसपास कहीं कोई नदी नहीं है तो एक पीपल का पेड़ था उसी के नीचे गाड़ने की मैंने सोच ली। इसके बारे में पिता ने मुझे पहले ही समझा दिया था कि पीपल के पेड़ के नीचे भी तुम इसे दबा सकते हो। मैंने जाकर वहाँ गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। मैं जब से मैं गड्ढा खोद रहा था चारों तरफ अजीब अजीब सी आवाज़ें मुझे आने लगी। आवाज़ इतनी भयानक थी जैसा लगता था जैसे कि कई सारे भूत प्रेत वहाँ पर घूम रहे हों। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बिना डर के मैंने वो जगह खोदी और उसके बाद उसे ढका और फिर माता से प्रार्थना की कि हे माता मेरे जाप को पूर्ण कीजिए,
उसके बाद जब मैं पलटा तो पीछे मेरे पायलों की छनकारों की आवाज़ें सी आ रही थी। जैसा कि मेरे पिताजी ने मुझे पहले ही बताया था, गाड़ने के बाद में चाहे तुम्हें कोई आवाज़ दे, बुलाए या कुछ भी करे, तुम्हें पीछे मुड़ के नहीं देखना है। याद रखना, ये तुम्हारा दुर्भाग्य होता है। अगर तुम्हारा दुर्भाग्य तुम हटाना चाहते हो तो उसकी बात को तुम्हें नहीं सुनना है। याद रखो, अपनी ही बात उस पर आगे रखनी है। और मैं आगे चलता चला गया। तभी उसने मेरा नाम लेकर किसी ने मुझे जोर से पुकारा। मेरा मन हुआ मैं पलट जाऊं, लेकिन फिर अपने हाथ पांव को कड़ा किया और इस बात की ओर ध्यान दिया कि पिताजी ने क्या कहा था। इस तरह के अनुभव पहली बार हो रहे थे। लगभग 3 बजे रात का समय हो चुका था। नवरात्रि चल रही थी। ये पिछली नवरात्रि की बात है जिसका अनुभव मैं आपको भेज रहा हूँ। फिर अचानक से मुझे आगे थोड़ी दूर पर एक सुंदर सी लड़की लाल कपड़ों में दूर एक पेड़ के ऊपर बैठी हुई सी दिखाई पड़ी, जिसको देखकर मुझे बड़ा घबराहट सी होने लगी। मेरे मन में डर सा होने लगा। वो वहीं से कहने लगी, अपने पीछे तो देख। और मुझे लग रहा था जैसे कि कोई मेरे सिर के बाल पे कोई अपनी उंगली कर रहा है। मैं बहुत ज़्यादा डर के मारे कांपने लग गया, लेकिन अपने आप फिर मैंने अपनी आंखें बंद की और माता के उन्हीं मंत्रों का जाप किया और उसके बाद फिर आगे चलता चला गया। उस लड़की की ओर भी मैंने ध्यान नहीं दिया। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि यह सब दृश्य में ऐसे नज़ारे नज़र आए जो आज तक कभी सोचे भी नहीं थे। इन चीज़ों पर मैं विश्वास नहीं करता था, लेकिन आज मान रहा था कि उस पेड़ पर बैठी हुई लड़की झूठ नहीं थी। मेरे पीछे मेरे बाल सहलाने वाली कोई शक्ति झूठ नहीं थी। अगर मैं पीछे मुड़ता तो शायद वो नहीं होता जो आज हो चुका है। और मैंने अपने आप को मन को कड़ा किया। इसके बाद थोड़ी दूर पर कुछ कुत्ते भौंकने हुए से मेरी तरफ तेजी से दौड़ रहे थे। मैं सुबह कर एक जगह पर खड़ा हो गया और चुपचाप उनको देखने लगा। कुत्ते थोड़ी देर भौंके और उसके बाद फिर चले गए। इसी तरह करते हुए मैं अपने घर पहुंच गया, दरवाज़ा खोला और उसके बाद हाथ पांव धो करके सो गया। सोने पर मुझे एक बार फिर से जिस श्रीयंत्र को मैंने अपने दुकान में स्थापित किया था उसका स्वप्न मुझे आ गया। मैं रोज़ रात को जा करके वहाँ पर अपनी दुकान खोलता था और वहाँ पूजा किया करता था। इस तरह मैंने अपने 5 दिन कंप्लीट किए थे। मेरा 5वां दिन अष्टमी को ही समाप्त हो गया था। इस प्रकार से फिर मैंने अगले दिन उस पे से वो पीला कपड़ा हटा दिया और अब एक बार फिर से मैं उसकी पूजा करने लगा। अब मैं रोज़ 1 माला सुबह और 1 माला शाम उसके सामने बैठ के करता हूँ, फिर अपने काम में चला जाता हूँ। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, इस वक्त मेरी अच्छी खासी इनकम हो जाती है। कोई महीना ऐसा नहीं होता जिसमें 1,25,000 से 1,30,000 के बीच का प्रॉफिट मुझे हर महीने ना हो जाता हो। सारा कर्जा मिट चुका है और धीरे धीरे करके मैं इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गया हूँ। अब कोई डर भय नहीं है, कोई समस्या नहीं है कि मेरे जीवन में आगे क्या होगा। सारा कर्जा मिट चुका है, गाड़ी बंगला सब कुछ अच्छे से स्थापित हो चुका है और धीरे धीरे मैं अपने काम को बढ़ाता जा रहा हूँ। इसका पूरा श्रेय मैं उस श्रीयंत्र साधना को देना चाहूँगा जो मैंने की थी। अब मैं आपको उसकी संक्षिप्त विधि बता रहा हूँ। जो मुझे मैंने की थी वही मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। बाकी मैंने वो लिंक दे दिया है जिस लिंक से आप इस तरह का श्रीयंत्र खरीद सकते हैं। याद रखिए, इसी तरह का श्रीयंत्र होना चाहिए, दूसरी तरह का नहीं। क्योंकि जो मैंने नहीं किया उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। जो मैंने किया और जो मैंने मंगाया था ये बिल्कुल वैसा ही है। तो इससे निश्चित रूप से गुरुजी को भी प्रॉफिट होगा और आप लोगों को भी, ताकि आप अपने जीवन में आर्थिक संकटों से बच सकेंगे। याद रखिएगा, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, साधना सही से कंप्लीट करनी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये साधना कैसे की जाती है। इस साधना को आप अपने कहीं पर भी कर सकते हैं, चाहे दुकान या घर या फैक्ट्री या कारखाना, कहीं पर भी। बहुत ही सरल और स्पष्ट है। पहले स्नान कर लीजिए, ध्यान करके बाद फिर शुद्ध पीले वस्त्रों को पहन लीजिए। पूर्व और उत्तर की दिशा की ओर मुंह करके आप पीले आसन पर बैठ जाइए। सामने एक बाजोड़ पर एक पीले रंग का कपड़ा बिछाइए, उसके ऊपर इस श्रीयंत्र को रख दीजिए। आप अगर आपके पास पत्नी है तो पत्नी के साथ में भी साधना कर सकते हैं। अगर कुंवारे हैं तो ज़्यादा शुभ है, कारण इसे
अकेले करने पर भी बहुत ही अधिक फायदे होते हैं, क्योंकि जब कोई इस साधना के बारे में नहीं जानता है तो वह सफर निश्चित होता है। पत्नी के साथ करने पर आपको पत्नी को कुछ भी नहीं बताना है और पूरी श्रद्धा के साथ इस साधना को संपन्न करना है। सबसे पहले बाजोड़ पर गुरु का भी चित्र वहाँ पर स्थापित कर लीजिए और हाथ जोड़कर गुरु का ध्यान कीजिए। गुरु मंत्र आप जानते हैं, ये गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसके बाद गुरु जी के चित्र को और उनके यंत्र को या फिर जो भी उन्होंने दिया हो उसको जल से स्नान करा दीजिए। उसके बाद उसको साफ पोछ लीजिए, उनके फोटो को या फिर जो भी उनका आपके पास हो। फिर कुमकुम अक्षत पुष्प से नैवेद्य पूजन करना है। उसके बाद फिर गुरु मंत्र की आपको एक माला अवश्य जाप कर लीजिए। उसके बाद फिर आपको अपनी साधना शुरू करनी है। फिर सबसे पहले एक भगवान गणेश की साधना से साधना शुरू कीजिए और गुरु चित्र के सामने ही और श्री यंत्र के सामने ही चावलों की एक ढेरी बना लीजिए। उस पर एक सुपारी गणपति के स्वरूप में स्थापित कीजिए और भगवान गणेश का पूजन आप पंचोपचार कुमकुम अक्षत चावल पुष्प इत्यादि से करेंगे। फिर आप जो श्री यंत्र है उसकी पूजा शुरू करेंगे और उन पर ध्यान देते हुए श्री यंत्र को देखते हुए एक टक इस मंत्र को करेंगे। दिव्य परम सुधव लारुण चक्र याताम मूलादि बिंदुम परिपूर्ण कलात्म काये स्थिता इस्मिनी सरघनु सुणी पास हस्ता श्री चक्रताम परिगणताम सततम नमामि। इस तरह से आप कर लीजिए और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, सिर्फ उसको ध्यान से देखते हुए पर नमस्कार कर लीजिए। और फिर आप उनकी साधना और उपासना के लिए पुष्प समर्पित कीजिए, उनके ऊपर पीले रंग के फूलों का आप उनको ऊपर चढ़ाइए। कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, कुछ मंत्र हैं जो पढ़ लें और हर बार एक पुष्प या पुष्प का टुकड़ा जरूर चढ़ाइए। ओम मंडुकाय नमः, ओम काली कालाग्नि रुद्राय नमः, ओम मूल प्रकृत्ये नमः, ओम आधार शक्ते नमः, ओम कूर्माय नमः, ओम शेषाय नमः, ओम वाराहे नमः, ओम पृथिव्ये नमः, ओम सुदम्बुद्धये नमः, ओम रत्नदीप पाय नमः, ओम भैरवे नमः, ओम नंदवनाय नमः, ओम कल्परक्षाय नमः, ओम विचित्र नंद्र भूमे नमः, ओम नरत्न मंदिराय नमः, ओम रत्न वेदिकाय नमः, ओम धर्म वारणाय नमः, ओम रत्न सिंहासनाय नमः। फिर आप चाहे तो रुद्राक्ष की माला से या फिर पीली कोई भी माला हो, चाहे हल्दी की भी ले सकते हैं या फिर कमलगट्टे की माला से या फिर रुद्राक्ष की माला से, इनमें से कोई सी भी माला से आप जाप कीजिए। और मंत्र जो होगा इस तरह से होगा, माता लक्ष्मी के मंत्रों का आपको जाप करना है और इस तरह से करेंगे तो अगर चाहें तो कमलगट्टे का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कमलगट्टा आसानी से उपलब्ध है तो माँ लक्ष्मी उससे प्रसन्न हो जाती है। याद रखिए, जो भी माला का इस्तेमाल करेंगे उसी माला को आपको बाद में विसर्जित करना होता है। तो मंत्र इस तरह से है, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। तो इस तरह से आपको इस मंत्र को जाप कर लेना है और उसके बाद फिर एक एक माला हमेशा करते रहें। पांचवें दिन साधना को संपन्न करने के बाद में बिल्कुल उसी तरह करना है जिस तरह से मैंने आपको किया था। इससे आपको निश्चित रूप से श्री यंत्र में सिद्धियाँ दिखाई देने लगेंगी और वो सिद्ध यंत्र के कारण आपका घर व्यापार परेशानियाँ सब कुछ एक दिन नष्ट होने लग जाएंगी और आप धीरे धीरे करके पूरी तरह से कामयाबी की ओर बढ़ जाएंगे। इसलिए पूरी तरह विश्वास करके इस साधना को करेंगे तो निश्चित रूप से माता आपकी मदद करेंगे और श्री यंत्र की शक्ति से आपके धन संबंधी सारी समस्याएं हल होंगी, ठीक जैसे मेरी हुई थी। प्रणाम गुरु जी, सभी लोगों का भला हो इसीलिए यह मेरी तरफ से एक तुच्छ भेंट। तो ये देखिए, इन्होंने इस तरह से बताया है साधना के बारे में, आप चाहें तो इस तरह साधना करके देख सकते हैं। और जो उन्होंने लिंक मुझे दिया था वो अमेज़ॉन का लिंक है और बाकी या उसी तरह का कोई अगर आप मंगाना चाहते हैं तो वो लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से उसको क्लिक करके आप ऑर्डर कर सकते हैं, इस यंत्र की बाद में पूजा कर सकते हैं और उसको उसी तरह से सिद्ध कीजिए जिस तरह से इन्होंने बताया। या फिर मेरे चैनल में भी आप पुराने वीडियो देख लीजिए, वहाँ से कैसे जो है प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, या फिर आप वेबसाइट में भी जा करके कर सकते हैं। तो इस तरह से करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।